प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड। ए सुंदर समय में ईश्वर नाम धन्यवाद देउछि। प्रिय बंधु मन आपण माने मध्ये भल रे अछंति हम विश्वास करे। ईश्वर आपण मन को आशीर्वाद आउ परमेश्वर को असीम प्रेम असीम दया असीम अनुग्रह आमन को संग रे अछि। सेति पाए परमेश्वर को नाम महिमा हेउ। विशेष करि आज रे महामारी समय रे परमेश्वर को सामर्थ हम संग रे अछि। सेति पाए परमेश्वर को नाम महिमा हेउ। प्रिय बंधु मन आसंतु आज प्रसंग आड़ मान आज प्रसंग हूँ धन्य व्यक्ति किए अटे किए धन्य व्यक्ति अटे किए आशित व्यक्ति अटे। आम जीवन अनेक बार ये प्रश्न आसी थाए आम प्रार्थना कराक्य पढ़ी था उपासना करास्टिंग करथापि आम मनरे कन्फ्यूजन आसे सन्देह आसी था। प्रिय बंधुगण ये विषय पवित्र शास्त्र ईश्वर वाक्य कौन कहे आज आम देखा। एक नंबर पॉइंट हूँ जो व्यक्ति ईश्वर शरणागत हुए से व्यक्ति धन्य। गीत सहित 34:8 पद लिखाई आहे सदा प्रभु जे मंगलमय यह आस्पादन कर देख जे शरणागत से लोक धन्य। लिखाई जो व्यक्ति ईश्वर शरणागत से व्यक्ति धन्य। प्रिय बंधुगण जदि आज आपण मैने ईश्वर शरणागत अटंती एवं ईश्वर भरोसा रखिंट ताल मैंने धन्य आपण मैने आशित व्यक्ति अटंती आपण मैने ईश्वर बहुमूल्य अटंती। प्रिय बंधुगण ये गोटे शिखबार विषय अच्छी दाऊद जड़े राजा थे सक्सेसफुल व्यक्ति थे एवं दाऊद जड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे पाखे धन संपत्ति था तथापि से यह कहना से राजा थी से धन्य पाखे धन संपत्ति था से धन्य कितु से कहते जे लोक ईश्वर शरणागत हुए से व्यक्ति धन्य। प्रिय बंधुगण आपण मैंने आज ईश्वर शरणागत होती ईश्वर निकट में प्रार्थना कराक्य पढ़ु एवं उपासना आराधना करछंती ईश्वर को धन्यवाद एवं प्रशंसा करछंती आपण माने धन्य अटंती। आ गोटे पद आम पढ़ा आ गोटे पद आम पढ़ा ताकि गीत संहिता 84:12 पद एठारे लिखाई हे सन्याधिपति परमेश्वर जेहु लोक तुम ठारे शरण निए से धन्य। प्रिय बंधुगण जिते आम ईश्वर शरणागत हो आम मैंने धन्य अटू। पॉइंट नंबर दुई ईश्वर झील मान शासन एवं अनुजोग करती से माने धन्य। गीत सहित 94:13 पदरे ए विषय को लिखाई एठारे एपर लिखाई तुम्हें जहां को शासन कर वो अपना व्यवस्था रु शिक्षा दियो से लोक धन्य। प्रिय बंधुगण जदि ईश्वर आप शासन करछंती धन्य अटंती। देख ईश्वर से मानक शासन करती जहां को से प्रेम करते जहां को से एक सफलता देवाई चाहते जहां को से उत्तम जीवन देवाई चाहते एवं जहां को ताहां को सेवा रे व्यवहार करने चाहते ताहां को से शासन करते डिसिप्लिन करती एवं अनुजोग करती परमेश्वर आपण को मत भी प्रेम करते आम संतान आम लोक आम प्रजा ही ईश्वर आम शासन करते ईश्वर आम शासन कर शिक्षा देखते आम धन्य आपण मैंने धन्य अटंती मुझे धन्य अटे। आ गोटे वाक्य आम पढ़ा हितोपदेश अध्याय 3:11 पद एठारे पर लिखाई हे मोर पुत्र सदा प्रभु को अनुजोग तुच्छ कर नहीं शासन में क्लांत हो ना। एठारे परमेश्वर वाक्य एपर कहे परमेश्वर को अनुजोग को आम तुच्छ करवा नहीं शिक्षा आम क्लांत होगा ना। परमेश्वर आम को अनुजोग करम करेक्शन करते से प्रिय बंधु कौन जदि परमेश्वर आपको अनुजोग कर धन्य अटंती आ परमेश्वर से अनुजोग करेंगे
झील मान से बहुत भाव में व्यवहार करने चाहते राज्य में कार्य करने इस्तेमाल करने चाहते जहां को से प्रेम करते अनुसोग करते प्रिय बंधु कौन जी आम जीवन में परमेश्वर शासन करना अनुजोग करना आम आत्मिक मनुष्य हो पार ना आम आत्मिक उन्नति करें आत्मिक बुद्धि हाँपे आम मैंने आम जीवन में एक सक्सेस पाइबा परमेश्वर अनुजोग परमेश्वर शिक्षा आम जीवन में अति आवश्यक अटे से परमेश्वर अनुजोग शासन शिक्षा आम को प्रचुर जीवन दे था आमको सफलता जीवन दे था आमको आत्मिक वृद्धि तृतीय विषय हूँ जो व्यक्ति परमेश्वर को भय करे से व्यक्ति धन्य अटे गीत संहिता 112 एक पद तुम्हें माने सदा प्रभु को प्रशंसा कर जो जन सदा प्रभु को भय करे जे ताको आज्ञा सब अतिशय संतुष्ट है से धन्य लिखाई जो व्यक्ति परमेश्वर को भय करे एवं परमेश्वर को प्रशंसा करे परमेश्वर को आज्ञा सब आनंदित हुए से व्यक्ति धन्य प्रिय बंधु मन आपण माने धन्य अटंती कारण आपण माने ईश्वर को भय करथिबारु आपण माने प्रार्थना उपासना आराधना भक्ति करते आपण माने ईश्वर को आदर करछन्ति आपण माने धन्य अटंती आपण माने एक आशीर्वाद व्यक्ति अटंती सेतिपाई लिखाई जो व्यक्ति ईश्वर को भय करे से व्यक्ति धन्य आ गोटे पद आम पढ़ा हूँ गीत संहिता 128 एक पद एठारे लिखाई जो मैंने भय करती और पथरे चलती से मानकर प्रत्येक लोक धन्य प्रिय बंधुगण यार लिखाई जो मैंने सदाप्रभु को भय करती पथरे चलती से माने धन्य ईश्वर आम को प्रेम कले से अपना आदित्य पुत्र को दान कले एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम निम्ते मृत्युवरण करूतन जीवन प्रदान कले आम आम शैतान पथरे चलु किंतु एवं आम मैंने से सत्य मार्ग चलु सदाप्रभु मार्ग में आम गमन कर जीशु कहले मो पथ सत्य और जीवन प्रिय बंधु मन आम एक पथ पाइछ आम धार्मिक पथ पाइछ आम पवित्र पथ पाइछ आम ईश्वर पथ पाइछ आम से स्वर्गर पथ पाइछ कारण ये पथ को ईश्वर आम को प्रदान कर आगुरा आम से शैतान पथर चलु एवं आम नूतन जीवन पाइछ अनंत जीवन पाइछ एवं ईश्वर सन्तान हमार आम अधिकार पाइछ से लिखाई ये सब आशीर्वाद पाइव आम मैंने ईश्वर भय करवा ईश्वर पथ से आम गमन करवा पथ विषय लोक मान कह अर्थात सुषमाचार लोक मान प्रचार कर प्रिय बंधु कौन जिते ईश्वर पथ से गमनागमन करे धन्य प्रिय बंधु कौन आज आम तीनो विषय शिक्षा कर नंबर एक देख लु जो व्यक्ति परमेश्वर शरणागत हुए से व्यक्ति धन्य द्वितीय नंबर में ईश्वर जो व्यक्ति को शासन अनुजोग और शिक्षा दिखती से व्यक्ति धन्य अटे तृतीय आम देख लु जो व्यक्ति ईश्वर को भय करे से व्यक्ति धन्य अटे से प्रिय बंधु कौन जेपर्यंत आम मैंने ईश्वर निकट में विश्वास करू भरोसा रखी आम मैंने धन्य अटे प्रिय बंधु कौन मुझे विश्वास कै आज वाक्य आप जीवन में आशीर्वाद आनी से आज वाक्य द्वारा ईश्वर आम आशीर्वाद करते।